नमस्कार दोस्तों, राम कला दोस्तों, प्रताप का ब्लॉग सिनेमा सबका स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करूंगा ठंड या सर्दी के मौसम में जब हम भिंडी की बुवाई कर देते हैं तो ऐसा देखने को मिलता है कि हमारे भिंडी का जो पौधा है ग्रोथ नहीं कर रहा है, विकास नहीं कर रहा है और बहुत लो ग्रोथ है उसका। तो ऐसा देखने को मिलता है कि हम टॉनिक भी दे देते हैं फिर भी उसका ग्रोथ नहीं होता, ग्रोथ रुका रहता है। तो क्या ऐसा कारण है? आज की वीडियो में दोस्तों आपको हम बताऊंगा आपके पौधे जो भिंडी के हैं ग्रोथ क्यों नहीं कर रहे हैं, उसमें जो है जल्दी फल और फूल क्यों नहीं लग रहे हैं, क्या रीज़न हो सकता है, क्या कारण हो सकता है, क्या आपकी इसमें गलतियां हो सकती हैं, सब कुछ दोस्तों आपके इस वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक कर दें, ऐसा ही वीडियो देखना पसंद करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। आपके मन में कोई सवाल या सुझाव रह जाता है नीचे कमेंट जरूर करें। अगर दोस्तों हम बात करें कि भिंडी की जब हम बुआई कर देते हैं तो बुआई करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है, तभी आपका पौध जो है अच्छे से ग्रोथ करेगा, बहुत जल्दी ग्रोथ करेगा, जल्दी फल आएंगे, जल्दी फूल आएंगे। तो उसमें जो हम लोग गलतियां करते हैं, मिस्टेक करते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। पहले मिस्टेक अगर हम बात करते हैं, जब भी आप भिंडी की बुआई करें तो भिंडी की दोस्तों बुआई करते समय ये ध्यान रखना है कि आप भिंडी की बुआई जहां कर रहे हैं वहां छांव तो नहीं है। अगर दोस्तों वहां छांव रहेगा तो छांव होने के कारण वहां पर क्या है, ग्रोथ आपको कम देखने को मिलेगा। जहाँ भी इसकी बुआई करें वहाँ धूप होना चाहिए, यानी खुला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बगीचा है उसके बगल में हमने भिंडी की बुआई कर दिया और बगीचे के जो छांव है वहाँ पर लग रहे हैं, धूप जो है नहीं सही से लग पा रहा है। तो उस समय क्या है दोस्तों कि आपकी जो भी भिंडी का बीज आप बिजाई किए हैं, जो पौधा है अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगा। इसके लिए जब भी आप भिंडी की बुआई करें, खेत का चयन कर रहे हैं कि किस खेत में इसका हमें बुआई करना है, तो वहाँ छांव बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल खुला होना चाहिए ताकि धूप आए तो बढ़िया से जो है वहाँ पर धूप लगे। उससे क्या है, धूप से उन्हें कई प्रकार के विटामिन मिलता है जिससे उनके पौध में ग्रोथ देखने को मिलता है। अगर हम दूसरी बात करते हैं दोस्तों, तो दूसरी में क्या है, सर्दी ठंडी के मौसम में अगर आप भिंडी की बुआई कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि मेड़ारी पर, जैसे मेड़ बनाया जाता है ऊंचा से, तो मेड़ारी पर आप उसको जो है बुआई करें। मेड़ारी पर बुआई कराने से क्या होता है कि अपने खेत जो है अच्छे से जुताई होता है उसका। उसमें क्या है कि जब मेड़ारी पर हम करते हैं तो उसमें जड़ें जो हैं विकसित होने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। जब हम जमीन पर लगा देते हैं उसमें कई तरह की दिक्कत खड़ी होती है। तो मेड़ारी अगर सर्दी के मौसम में, ठंडी के मौसम में आप बिजाई किए हैं तो सबसे बढ़िया रहेगा। जब भी आप बिजाई करें तो मेड़ारी पर करें, क्योंकि वहां पर उसको जड़ें उसकी जितनी विकसित होंगी उतना उसमें कल्ले वगैरह सब निकलेंगे और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। हम तीसरे पॉइंट अगर हम बात करते हैं तो बीज की क्वालिटी, जो भी आप बीज सीड्स ले रहे हैं भिंडी का, उसकी क्वालिटी पर खास ध्यान रखना है। इधर उधर का जो है बीज नहीं लेना है। अगर दोस्तों आप इधर उधर का बीज ले लेते हैं तो उसमें आपको समस्या देखने को मिलेगी कि पौधा जल्दी तैयार नहीं होगा, पौधे का ग्रोथ नहीं होगा, उसमें फल फूल देरी से लगेंगे, फल फूल बहुत लो लगेंगे। तो इसके लिए क्या है, बीज की क्वालिटी पर बहुत ध्यान रखना है, अच्छी क्वालिटी का आपको बीज लेना है। और ठंडी सर्दी के सीजन दोस्तों अगर बात किया जाए बीज का, तो पूसा A4 है, एक बहुत बढ़िया वैरायटी है ठंडी के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इसमें अच्छी है। और दूसरा आता है पूसा A5, ये भी बहुत ही बढ़िया इसकी क्वालिटी है जो है पैदावार में भी और ग्रोथ में भी। अन्य आपके वहाँ कोई भी अच्छी सीड्स है उसका भी आप चयन कर सकते हैं, उसकी भी आप बुआई कर सकते हैं। अगर दोस्तों हम बात करें चौथे पॉइंट का, तो चौथा पॉइंट आता है, जो भी दोस्तों आप सीड्स लगा दिए हैं, बीज आपका पौधा तैयार हो रहा है, उसमें सही समय पर पानी देना है। अगर आप सही समय पर पानी नहीं देंगे, लेट कर देंगे, तो भी क्या है, समस्या देखने को मिलेगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है हमारा खेत पक चुका है, यानी पानी आवश्यकता हो रही है, तो आपको लेट नहीं करना है, उसकी आपको सिंचाई कर देना है, तभी आप इसमें अच्छा सा ग्रोथ पाएंगे, अच्छा इसमें विकास देखेंगे पौधे में।
अगर हम अगले पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, पांचवें पॉइंट का, तो पांचवा पॉइंट आता है दोस्तों खरपतवार। खरपतवार अगर आपके खेत में ज्यादा है तो खरपतवार में क्या है कि जिससे ज़्यादा खरपतवार आ गए हैं तो उस समय क्या है कि उसमें ग्रोथ रुक जाएगा। जो भी उसमें पोषक तत्व हैं खेत में आपका, वो सारा पोषक तत्व जो घास हैं खरपतवार हैं वो सब ले लेते हैं और आपका जो भिंडी का पौधा है वो दब जाता है। ऐसा देखने को मिलता है कि भिंडी के खेत में भिंडी से बड़े तो जो खरपतवार हैं उनकी ग्रोथ देखने को मिलती है, तो जो आपका भिंडी का पौधा है उसका ग्रोथ डाउन हो जाएगा, उसका ग्रोथ जो है रुक जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों क्या है कि जब भी आप भिंडी की बुआई करते हैं तो बुआई करने के बाद खरपतवार नियंत्रण ज़रूर रखना है, तभी जो है इसमें आपको ग्रोथ मिलेगा, तभी आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार मिलेगी। अगर हम दोस्तों छठे पॉइंट की बात करते हैं तो छठा पॉइंट आता है एक ही खेत में बार बार भिंडी की बुआई ना करें। अगर एक ही खेत में आप बार बार भिंडी की बुआई करते हैं तो उसमें आपको ये समस्या देखने को मिलेगी कि जैसे कि ग्रोथ रुक जाएगा, उसमें जो मिनरल्स प्रोटीन हैं उन्हें बरोबर नहीं उसमें हो पाएगा। तो जितनी बार आप बुआई करते हैं भिंडी की तो अलग अलग खेत में करें, जैसे कि साल आज इसमें खेत में किए तो अगले साल क्या है दूसरे खेत में कर देना है, फिर अगले साल आता है तो तीसरे वाले में कर देना है। इसके हिसाब से दोस्तों आपको अलग अलग तरीके से बुआई करना है। अगर हम दोस्तों सातवें पॉइंट की बात करते हैं तो सातवां पॉइंट आता है दोस्तों, जैसे हमारे खेत में हमने जुताई भी करा दी है बुआई करते समय, उसमें गोबर खाद नहीं डाले हैं, कंपोस्ट नहीं डाले हैं या मुर्गी खाद का जो आता है मल वो नहीं डाले हैं, तो उससे क्या है उसमें भी उसको दिक्कत होगा और ज़्यादा परेशानी होगी, तो आपका खेत कमज़ोर पड़ जाएगा। तो खेत को मजबूती बनाने के लिए, उसमें पोषक तत्व तो जो होता है अच्छे से ग्रोथ पाने के लिए, गोबर खाद जो सड़ी हुई होती है उसका उपयोग ज़रूर करें, जुताई करते समय उसमें छींट दें, डाल दें, जो भी है पूरी तरह से प्रक्रिया कर दें। आठवें पॉइंट अगर हम दोस्तों बात करते हैं तो आठवां पॉइंट आता है कोहरा। ठंड के सीजन दोस्तों देखने को मिलता है, अगर अधिक कोहरा है, अधिक जो है बादल हैं, बहुत कोहरा पड़ रहा है, दिन ही नहीं दिख रहा है, धूप नहीं दिख रहा है, उसमें भी आपको कुछ ग्रोथ जो है रुका हुआ दिखेगा। जब धूप होगा तब दोस्तों उसमें ज़्यादा आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा, धूप नहीं रहेगा, कोहरा ही कोहरा रहेगा तो भी इसमें भिंडी का जो पौध है ग्रोथ में रुका हुआ दिखेगा। अब नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम आपको कुछ ऐसे सस्ते और अच्छे जो है उसका जो आता है कैल्शियम जिसे बोलते हैं वो दिया जाता है, जिससे हमारा पौधा मजबूती से निकले, कुछ जो है दवाइयों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पर हमें फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। थैंक दोस्तों वीडियो वॉच करने।